अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम जो सा जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 5 जो सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें एक टॉपिक है रजिस्टर्स का, और रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो वहाँ पर आपको मैंने ये सारा बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएँ, सेवर हब पर प्लेलिस्ट में आएँ, और जहाँ पर कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में आए, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें कि ये प्रीवियस व्हाट आर सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में हमने बात की, फिर इसमें स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में हमने बताया, और आज का जो टॉपिक है वो है जी जनरल पर्पस रजिस्टर। तो इस वीडियो को आगे सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली अगर हम उसी डायग्राम को ओपन कर लें, ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं जी, रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के अंदर, और रजिस्टर्स क्या होते हैं बेसिकली लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हम डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अच्छा, आप जनरल पर्पस रजिस्टर्स कौन से होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर जो से हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब इन रजिस्टर का डिफरेंट साइज भी होता है। अब जिन रजिस्टर जो से हैं, जिन रजिस्टर का साइज 16 बिट होता है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं जी, कितने होते हैं वैसे, होते कितने जनरल पर्पस रजिस्टर, 4 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जी। 4 जोन से है वो हमारे पास, कितने हैं जी जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास कितने हैं जी, 4, ठीक है। 4 जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, ये 4 जोन से हैं ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, ठीक है। और इन चारों को हम क्या कहते हैं, ये अकामुलेटर कम्युलेटिव रजिस्टर्स हैं, क्या कहते हैं जी, अकम्युलेटिव रजिस्टर्स। और ये कितने बिट्स के हैं, ये 16 बिट के हैं, ये भी 16 बिट का है, ये वाला जो सॉफ्ट है ये भी 16 बिट का है, और ये जो उनसे है ये भी 16 बिट का है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा अगर, ठीक है जी, अब जो होते हैं 32 बिट के रजिस्टर, उनको हम ई ए एक्स लिखते हैं, ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स और ई डी एक्स, ये जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं ये हमारे पास होता है 32 बिट। तो 32 बिट के जो रजिस्टर होते हैं उनके साथ हम ई ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये भी 32 बिट का, ये भी 32 बिट का, ये भी 32 बिट का रजिस्टर है। अच्छा, अब ये जो ए एक्स है, बी एक्स है, ये 16 बिट है ना, अच्छा, इन 16 बिट को भी हम 8 8 बिट्स पे भी डिवाइड करते हैं। 8 8 बिट्स में कैसे डिवाइड करते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि ए एल का मतलब है लोअर पार्ट, तो ये 8 बिट का ये रजिस्टर हो गया एक, और फिर ए एच लिख दूँ अगर, तो ये 8 बिट का क्या हो गया, हायर पार्ट। तो इस 16 बिट को हम 8 8 बिट में डिवाइड करते हैं, मतलब 8 बिट को हमने जो लेफ्ट साइड पे होती है उसको हम कहते हैं ये लोअर है, जो राइट साइड पर होते हैं उसको हम कहते हैं जी ये हायर बिट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़े से मैं देख लूँगा कि राइट और लेफ्ट के बारे में, अलबत्त इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक कम्युलेटर लोअर होगा और एक कम्युलेटिव हाई होगा। अच्छा, इसको हम कहते हैं ये क्या है, बी एक्स, ये बेस रजिस्टर है, ठीक है, क्या कहते हैं, बेस रजिस्टर। तो इसको भी हम इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं कि बी एल 8 बिट का रजिस्टर है, और इस तरह बी एक्स, बी एल और बी एच, सॉरी बी एल और बी एच, ये हमारे पास कितना है, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है जी। इसी तरह एक हमारे पास सी एल है, ये 8 बिट का है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सी एच है, ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। इस तरह डी को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये डी एल है, लोअर 8 बिट है, ठीक है, और ये डी एच है, और ये भी 8 बिट का रजिस्टर, ठीक है जी। इसी तरह मतलब अब ये हमारे पास टोटल कौन से कितने रजिस्टर हैं जी, जनरल पर्पस रजिस्टर कितने हैं जी, 4, 1 2 3 4, और ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। अगर तो 16 बिट का रजिस्टर है तो वो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स,
बी एक्स सी एक्स डी एक्स, और इसको हम इसी को हम 16 बिट को अगर हम डिवाइड कर दें तो ए एल लोअर बिट बन जाती है और ए एच हायर बिट बन जाती है। इस तरह बी एल ये बी एक्स की जो लोअर बिट्स है उसको हम बी एल कहेंगे, इसी बी एक्स की जो हायर बिट है उसको हम बी एच कहेंगे। इस तरह जो सी एक्स है इसकी जो लोअर बिट्स है उसको हम सी एल कहेंगे और इसी सी एक्स की जो हायर बिट है उसको हम सी एच कहेंगे। इस तरह जो डी एक्स है डी एक्स की जो लोअर बिट्स है उसको हम डी एल कहेंगे और डी एल डी एक्स की जो हायर बिट्स है उसको हम डी एच कहेंगे। ठीक है, ये 8 बिट में डिवाइड। अगर हमारा ये रजिस्टर 32 बिट का है तो हम लिख साथ इसके ई ऐड कर दें, ई एक्स ई बी एक्स ई सी एक्स और ई डी एक्स। ठीक है, अगर आपको कहीं पे रजिस्टर नजर आए ई सी एक्स तो ये कितने बिट्स का है जी, ये 32 बिट का रजिस्टर है। अगर आपको नजर आए कि बी एक्स रजिस्टर है तो बी एक्स कितना 16 बिट का है। लेकिन अगर आपको ए एल नजर आए या ए बी एल नजर आए तो उसका मतलब बेस रजिस्टर की जो लोअर बिट्स है ये 8 बिट्स है और बेस रजिस्टर की हायर बिट्स हैं ये भी 8 बिट्स है। ठीक है, अच्छा अब इनके काम क्या होता है। बेसिकली ये जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए या लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए हम इनको यूज करते हैं। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ जी, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, ये है इसको हम ए से क्या कहते हैं अरिथमेटिक। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बी एक्स बेस रजिस्टर कहते हैं, सी एक्स को काउंटर रजिस्टर भी कहते हैं, डी एक्स को डेटा रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ए एक्स क्या करता है कि कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के प्लस करवा सकते हो। बी एक्स क्या होता है, ये इसके अंदर बेस किसी भी जो आपकी मेमोरी है उसका बेस एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। सी एक्स क्या होता है बेसिकली, इसको हम काउंटर रजिस्टर कहते हैं, सी से क्या बना काउंटर। तो काउंटर रजिस्टर में क्या होता है आपको पता, काउंट करता है कुछ इसमें, मतलब 1 2 3 4। तो हम बेसिकली कभी कभी हम कुछ ऐसा कोड लिखते हैं जिसको हमने बार बार या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा हमने रिपीट कराना, तो जिसके अंदर वैल्यू रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 3। अब 3 का क्या मतलब, एक दफ़ा कोड चलेगा ये कम हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर एक दफ़ा कोड चलेगा ये 1 हो जाएगा, फिर एक दफ़ा कोड चलेगा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा कोड रन नहीं करेगा। इसका मतलब है जब हमने 3 दफ़ा किसी भी प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम या एक कुछ इंस्ट्रक्शन को हमने 3 दफ़ा रिपीट कराना है तो हम 3 लिख देंगे, अगर हमने 5 दफ़ा रिपीट करवाना है तो 5 दफ़ा लिख देंगे। तो रिपीटिशन के लिए हमारा ये काम आता है ये काउंटर रजिस्टर, क्योंकि जैसे ही एक दफ़ा वो इंस्ट्रक्शन चलती है ये काउंटर कम हो जाता है। ठीक है, और डेटा रजिस्टर क्या होता है, डेटा मूवमेंट के लिए हमारे लिए हेल्प आउट होता है। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है जी इसमें, क्या थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा वो क्या कह रहा है जी, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट जनरल पर्पज रजिस्टर। वो कह रहा है जनरल पर्पज रजिस्टर आर यूज इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, वही वाली बात कि मैथमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेशन में यूज होता है। दी रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ ए एल जू, ये किसका पार्ट है जी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया, क्या सीपीयू का पार्ट है, लेकिन सीपीयू के अंदर ए एल जू ही तो लगा होता है। ठीक है, तो ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर है ये ए एल यू का पार्ट है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं ए एल यू की, इसलिए ये जनरल पर्पज रजिस्टर याद रखना कि ए एल यू का पार्ट है। ठीक है जी, अच्छा आगे क्या कह रहे हैं कि अकमुलेटर रजिस्टर इज अ जनरल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, अकमुलेटर रजिस्टर जैसा ये ए एक्स बी एक्स यहाँ लिख के नीचे लिखा होगा, यहाँ पर देख ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ये अकमुलेटर रजिस्टर क्या है जनाब, ये कंप्यूटर रजिस्टर जनरल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, जनरल पर्पज रजिस्टर है, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ अकोमोलेटिव रजिस्टर, ये 4 टाइप्स का अकोमोलेटिव रजिस्टर, ई एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स, ई लगा दिया उसका मतलब 32 बिट्स का। वो कह रहा था साइज ऑफ दीज रजिस्टर कैन बी 1 to 4 बाइट्स, एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, 4 बाइट्स का भी हो सकता है। द 2 बाइट्स डेटा रजिस्टर आर ए एक्स बी एक्स, 2 बाइट्स। तो आपको पता है 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8, तो 2 बाइट्स में कितनी होंगी 16। तो यहाँ पे मैंने देखा आपको बताया था कि ये 16 16 बिट के, तो जब 16 बिट के रजिस्टर तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लें, ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स कंटेन 2 पार्ट्स। अच्छा अब इसने कहा कि ये होते हैं, अब इसके 2 पार्ट्स भी हम कर सकते हैं, 2 पार्ट्स वही 8 8 बिट के, लोअर ऑर्डर को ए एल बी एल सी एल और डी एल कह रहे, लो हायर को ए एच बी एच सी एच और डी एच। कैसे, असल बेसिकली ये ए एक्स है ना, तो ए एक्स को हमने 2 पार्ट में कर दिया, एक को लोअर कर दिया एक को हायर कर दिया, ये ए एल हो गया और ये ए एच हो गया। इस तरह बी एक्स एक रजिस्टर है तो इसके लोअर पार्ट कर दिया और एक हायर पार्ट कर दिया, इस तरह करके। अच्छा, ए स्टैंड फॉर अकमुलेटर, अकमुलेटर, बी स्टैंड फॉर बेस, सी स्टैंड फॉर काउंट,
और डी स्टैंड फॉर डेटा, इसलिए हम इसको अकोमोडेटिव रजिस्टर कहते हैं, इसको बेस रजिस्टर कहते हैं, इसको काउंटर रजिस्टर कहते हैं, उसको डाटा रजिस्टर कहते हैं। अच्छा, काम किस लिए आता है, इसके क्या डिफरेंट पर्पजेज क्या है? अकोमोडेटिव रजिस्टर कहते हैं टू यूज फॉर अरिथमेटिकल डेटा ऑपरेशन, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए और डेटा ऑपरेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं, अकोमोडेटिव। बेसिकली इट इज यूज फॉर अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट्स, इट हैज स्पेशल एड्रेस कैपेबिलिटी। स्पेशल एड्रेस कैपेबिलिटी क्या होती है कि जो बेस एड्रेस होता है किसी भी मेमोरी में किसी भी जगह का, उसका बेस एड्रेस मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होता है उसका एड्रेस भी ये रख सकते हैं। और ये आपको बताया गया टू यूज फॉर काउंटिंग पर्पज, काउंटिंग के लिए होता है। इट एक्ट एज अ काउंटर फॉर एन रिपीटेशन और लूप्स। रिपीटेशन और लूप्स क्या होते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारी होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है उसमें 10 इंस्ट्रक्शन है, लेकिन 3 इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं कि ये 3 दफ़ा रिपीट करें, तो वो जो 3 इंस्ट्रक्शन होंगी ना वो देखिए रिपीटेशन है, इसको हम लूप कहेंगे कि ये 3 दफ़ा लूप चलेगा, लूप का मतलब उसको रिपीट कर रहा है। डेटा रजिस्टर क्या है कि इट इज यूज फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डेटा रजिस्टर को हम क्यों यूज़ करते हैं, डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। बेस रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं डेटा मूवमेंट्स के लिए। अच्छा, दोबारा से इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। अकोमोडेटिव रजिस्टर ए रजिस्टर, ए क्या किस लिए यूज़ होता है, एथमेटिक के लिए और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। बी एक्स किस लिए यूज़ होता है कि बेस है, तो इसका मतलब है एक मेमोरी में किसी जगह का बेस एड्रेस स्टोर करेगा, डेटा मूवमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। सी एक्स किस लिए होता है, सी एक्स बेसिकली होता है आपका काउंटर रजिस्टर, और इसमें आप किस लिए यूज़ करते हैं, आपने रिपीटेशन या लूप्स के लिए आप सी एक्स रजिस्टर यूज करोगे। इसलिए डी एक्स रजिस्टर है, डी एक्स रजिस्टर क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका डी एक्स आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए, ठीक है, उसको आप डी एक्स रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।